हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है 1938 की, कैरोली नाम के एक व्यक्ति की जो कि हंगेरियन आर्मी में था। वो उस कंट्री के बेस्ट पिस्टल शूटर्स में से था। जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी हंगरी में, उन सबको उन्होंने जीत लिया था। सब लोग कन्फर्म थे कि 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्हें ही मिलेगा। उन्होंने इसके लिए सालों तक ट्रेनिंग की थी और अभी भी कर रहे थे। उनका एक ही सपना था, एक ही मोटिव था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो कामयाब हुए भी। उन्होंने अपने उस हाथ को बेस्ट बना भी लिया था। ओलंपिक होने के लिए अभी 2 साल बाकी थे। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उस कैंप में उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। उनके उसी राइट हैंड में एक हैंड ग्रेनेड फट गया था, जिसकी वजह से वो हाथ चला गया। जो उन्होंने सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वही अब ख़त्म हो चुका था। अब उनके सामने दो रास्ते थे। पहला कि वो गिव अप कर दें और हार मान लें और पूरी ज़िंदगी रोता रहे, और दूसरा वो अपने गोल पर, अपने सपनों पर टिका रहे। उन्होंने फोकस उस पर नहीं किया जो चला गया था, बल्कि उन्होंने फोकस उस पर किया जो उनके पास अभी भी था, उनका लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकते थे। 1 महीने तक उनके राइट हैंड का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, और जब 1 महीने बाद ट्रीटमेंट पूरा हुआ, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अब वो अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में वो वापस आए। नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी हंगरी में, और भी बहुत पिस्टल शूटर्स थे वहाँ। उन सब ने जाकर कैरली को कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि ये होता है जज्बा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी आप यहाँ आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को भी ये नहीं पता था कि पिछले 1 साल से वो अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम सबका हौसला बढ़ाने नहीं, बल्कि तुमसे कम्पीट करने आया हूँ। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, ऑलवेज वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइस। जब भी मेहनत करो, किसी को बताए बिना करो, छुप कर करो, और फिर देखना जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे और लोगों को इसका पता चलेगा, तो उनका रिएक्शन देखने लायक होगा, और उससे आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस दिन उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे जो आपको नालायक फेलियर बोलते हैं। वो दिन आपका होगा, उस दिन खुशी के आंसू रुकेंगे नहीं, देखना आप। तो सब कैरली का जवाब सुनकर सभी दंग रह गए, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे अपने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ जितने भी शूटर थे वो कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, लेकिन वो एक इंसान अब कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, यानी कि लेफ्ट हैंड से। और मालूम है जीत किसकी हुई? द मैन विथ ओनली हैंड। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसका गोल था कि मुझे इस हाथ को सिर्फ मेरी कंट्री का नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस 1940 के ओलंपिक पर लगा दिया। लेकिन 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अब उसने अपना फोकस 1944 के ओलंपिक पर लगा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1944 के ओलंपिक भी कैंसिल हो गए थे फिर से वर्ल्ड वॉर की वजह से, लेकिन वह टूटा नहीं, उसने हार नहीं मानी, और अब अपना अगला फोकस फिर से किया 1948 के ओलंपिक पर। 1938 में उसकी एज 28 ईयर्स थी, जो अब 1948 में 38 ईयर्स हो गई थी। उसकी डिक्शनरी में मुश्किल नाम का वर्ड ही नहीं था। वो 1948 के ओलंपिक्स में गया, जहाँ वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे और वो अपने बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, लेकिन ये इंसान अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था। और पता है कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड। कैरली ने गोल्ड मेडल जीत लिया था। वो अब भी नहीं रुका था। उसने 1952 में दोबारा कम्पीट किया, और इस बार गोल्ड मेडल किसने जीता पता है? कैरली ने, और ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया था।
इससे पहले इस पर्टिकुलर कंपटीशन में किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। एक लूज़र के पास हज़ारों बहाने होंगे किसी काम को ना करने के, और एक विनर के पास सिर्फ एक वजह होगी किसी काम को करने की, और वह कर जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मोटिवेशनल स्टोरी और आपने इससे क्या सीखा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों। इसी के साथ दिस वॉज दर्श साइनिंग ऑफ।